नमस्कार, मैं अजय। साढ़े 11 बज चुके और ये रोड की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ हाईवे सर, ये चिड़ियाबाड़ा रोड है। ये चिड़ियाबाड़ा रोड है और ये इस तरफ से दादरी शहर को जोड़ता है। बीच में यहाँ पर बाईपास भी बनाई गई तो मंडी बनाई गई है। ये नई अनाज मंडी चरखी दादरी, समृद्ध किसान हमारा पहचान। भाई नारा लिखा हुआ मंडी के गेट के ऊपर कि समृद्ध किसान और हमारी पहचान, यानी हमारी के ऊपर जो मात्रा है लिखी वो मात्रा टूट गई तो हमारा हो गया, यानी हमारी से हमारा हो गया, लिंक बदल गया। तो अंदर किसानों ने अल्टीमेटम दिया हुआ 19 मार्च की बात, जो अल्टीमेटम दे रहे किसान वो बड़ी बात ही पूरा करते हुए देखे जा सकते हैं। चाहे हाईवे रोड की बात हो, रोकने की बात हो, चाहे किसी प्रकार के भी किसान ने अल्टीमेटम दिया हो, तो ये देखें किसान की तादाद और वही तैयारी किसान की देखी जा सकती है। चाहे चाय के रूप में हो, वॉलंटियर के रूप में हो, ओके की पंचायत है वही ओका पंचायत, ओका बीच में पंचायत के अंदर रखा हुआ देखा जा सकता है। ये देखें मान सम्मान की पगड़ी पहनकर किसान अपने किसानों की बातें सुन रहे और ओके का भी आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। हमारे सौभाग्य किसान आंदोलन का कि यहाँ पर जो विधायक हैं सोमवीर सांगवान जी, जिन्होंने इन लोगों के वोट लिए थे, कभी ये कहकर मैं की समस्या उठाऊंगा और आज वास्तव में अपना धर्म अपना कर्तव्य अपना निभा रहे, आज एमएलए की सीट पर होते हुए भी और अपने किसान होने के नाते भी, क्योंकि आज किसान पंचायत के अंदर तो सोमवीर सांगवान दादरी किसान बनकर बैठे हुए अपने किसानों के बीच में। साढ़े 12 हो चुके और किसान का अल्टीमेटम कामयाब होता हुआ देखा जा सकता है। पुलिस भी मुस्तैद अंदर आती हुई और अधिकारी भी मुस्तैद देखे जा सकते हैं, क्योंकि किसानों तो फिर आज फिर से ज्ञापन देंगे। तो बात किसानों से ही कि आज अल्टीमेटम देने का तात्पर्य क्या समझा जाए आपके सभी दर्शक है जी। देखिए, हमने 7 दिन पहले से ही एक कॉल दी थी कि मेरा पानी मेरी विरासत, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी है और जिस भी धान योग्य कृषि भूमि के ऊपर अन्य फसल उगाएगा उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। स्टेज को पर आप अपनी बातें रख रहे थे तो कहीं नीचे से आवाज आ रही थी, रहने दे वो रहने वाली बात क्या थी? अरे ये कुछ अलग नहीं है, वो कोई बात नहीं है, तो हमारी आपसी सौ बातें हैं। लेकिन जो मुद्दा था, जो ये देखो अभी आ रहे हैं हमारे जो सारे साथी, देखो यूनियन के यहाँ करीब आज 80% तादाद हमारी है, क्लियर कह सकते हैं हम ठोक बजा के स्टेज के माध्यम से काम कर दिया। आज तो ज्ञापन दे दिया, ज्ञापन किसको दिया गया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं रणवीर फौजी, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन चरखी दादरी। आज जो ये जो हरियाणा सरकार जो खट्टर साहब ने कॉल दी थी पहले, जो धान बिजाई नहीं करेगा उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ मेरे पानी मेरी विरासत का जो प्रोत्साहन राशि किसानों को देंगे, वो एक प्रदेश का पहला मुखिया ऐसा है जो अपने जो पीसी करके और झूठ बोलने का काम किया है। हम उस बात को लेकर और संयुक्त मोर्चों की जो कॉल थी, आप देखिए जाती है सर, आप दोनों से बात लेता हूँ कि राजनीति भी घुसी किसान आंदोलन अंदर, वो आप बताओगे, हम तो नहीं कह रहे। नहीं बताएं, नहीं नहीं हम नहीं कह सकते। देखो किसान आंदोलन है, एक बात मैं तो साफ आम पब्लिक के बीच में बोल रहे हैं। नमस्कार, राम राम भाई, ठीक सो? ठीक है। अच्छा बाबा बात आ, वो एक कहावत है आपकी उम्र की, बजे ना खड़े को देखो पड़े को दिखा करे, तो अब खड़े को देखो पड़े दिख जावांगे भाई, की हान की जीत होगी, मतलब राजा है बुत्ता की बोले। हाँ अच्छा, तारा कसा उन्हें बुत्ता है बोले, सुनो हो जाए सुनो हो जा सुनो, उनकी जेम आ गई है, किसान उल्टा नहीं हटेगा, किसान मर सकता है हट नहीं सकता। तो मरण में क्या हुआ, मरण में तो अपना घर बर्बाद हो जाएगा, तो मेरे क्या बनेगो, नाम तो सही जोगो मेरे। अच्छा अच्छा, रण में पैदा हो रण ही नाम दे रहे। अच्छा, और 75 साल की उम्र में किसान आजाद करवाऊंगा, किसान आजाद करवाए मेरा मतलब बात बनेगा नहीं भाई, बात बनेगा नहीं। हाँ, कानून मांगेगा तरंगे बुलाए, ये मतलब 7,000 आला हमने कागज बनवा दिया। कर्मचारी करवाया और मेरे दंड लाए है या झूठी सरकार से या जो 7,000 रुपया जो नाम बढ़ा मुकदमा करा। अच्छा हाँ, मुकदमा करोगे? हाँ, तो पता नहीं आपसे सवाल लगा था कि राजनीति क्यों घुसती थी आने लगी किसान आंदोलन। राजनीति तो अरे खाते राजनीति आप फिर हो, मेरी बात
कुछ पूछा हो तो चैनल वाले हिंद को बेसिक ना तो कर रहे हैं। राजनीति तो हर एक आदमी करता है, राजनीति किसान की जो जब बात आती है ना, 36 बिरादरी कोई ऐसी बात नहीं राजनीति, चाहे उसमें निजी नुकसान होता हो पर किसान की बात नाम तो किसान का आंदोलन का भाई, आंदोलन किसान ही कर रहा, लेकिन इसके इसके कंधे बंदूक उधर की कुछ और राजनीति राजनीति अगर आंदोलन करती तो उनके पास है क्या? सब कुछ किसान के पास है। किसान एक मिनट रण सिंह जी, किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं देख लो आप, गाँव में देखो, शहर में देखो, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, जहाँ भी देखो आप, मैं भी गया हूँ काफी बार। अल्टीमेट भी दे रहा, घेराव भी कर रहा हो, प्रदर्शन भी कर रहा, लेकिन नेताओं के सिर पर जून नहीं रेंग रही। नेताओं के सिर पर जून रेंगेगी, 100% रेंगेगी, हम वादा करते। किसान हारता नहीं, किसान सांप कोबरा सांप कितना जहरीला होता है उससे नहीं डरता, मोदी तो क्या चीज है। अच्छा, हाँ जी, एक कोबरा वो मिथुन चक्रवर्ती बना है बंगाल में, मिथुन चक्रवर्ती बना होगा, लेकिन ये किसान है, किसान के पास हल की ताकत है। हाँ जी, किसान हर जोत करके कितनी सख्त जमीन को उखाड़ फेंकने का काम करता है, तो मोदी सरकार तो नॉर्मल है, उखाड़ फेंकने का काम करे किसान। बिल्कुल बिल्कुल, तो राजनीतिक दल तो कोशिश करते हैं ना, दिल्ली सिंह बॉर्डर के अंदर वही तो मंच है और वही स्टेज है। चलो साहब, अच्छी बात है, आप कामयाब हो, जागरूक किसान हो जाए तो राजनीतिक हो जाए भाई साहब, जागरूक की वो नहीं और के है, यही बात है हो रही। 19 मार्च का दिन और वही किसान का अल्टीमेटम और सौभाग्य किसान आंदोलन का कि आज वही पुत्र जो कभी वोट मांगने इन लोगों के बीच में गया था, आज कंधे से कंधे मिलाकर सर का ताज बनकर आज धरने की शोभा बन के बैठा हुआ सोमवीर सांगवान के रूम में। सर नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। कैसे सर? एकदम बढ़िया सर। बजट भी देख लिया, सुर्खियाँ भी देख ली, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा खुल के समझाइए। हमारे तो बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। अच्छा, सरकार का समझ में नहीं आ रहा, इस जन आंदोलन को हल्के में ले रही थी सरकार, आज ये पूरी दुनिया का आंदोलन बन चुका है। बाबा भीमराव द्वारा, बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा बने हुए संविधान को और मानने वाले का आंदोलन है और ये इतने विस्तार रूप धारण कर चुका है, सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, किसान की बात को मानने पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई इलाज भी नहीं है। देखिए सोमवीर जी, वो फिर कहावत हुई याद आ गई, जिन्हें खड़ा कौन देखो पड़ा कौन देखने दिखने लग रहा, करेंगे कि फिर सारा सौदा दिखने लग रहा है, बहुत जल्दी समस्या का समाधान होने जा रहा है, ऐसा उम्मीद है, भगवान जल्दी सरकार को सद्बुद्धि देगी और इस किसान आंदोलन तो जो आज का अल्टीमेटम था, आज का जो मकसद था किसान सभा का, सर उसका उद्देश्य थोड़ा समझाए प्लीज। इसका उद्देश्य सिर्फ किसान भाई, मजदूर भाई, व्यापारी भाई, मंडी के कर्मचारी व्यापारी सब एक उद्देश्य था कि मंडियों को बचाने के लिए आज ये डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने का मामला था, वो तमाम भाई ने इकट्ठा होकर अपना ज्ञापन डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा है कि मंडियों को इस किसान को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति महामहिम जो ने इस कानूनों को रद्द करने का। चलो थैंक यू, शोभा बन रहे हो किसान की और खाप की तरह नेतृत्व कर दो हो और ऐलान भी कर दो भाई पीछे नहीं हटेगी, लेकिन सरकार भी पीछे को नहीं हटने लग रही भाई, सरकार देखने लाग रही था ना, हम भी मारी तो मतलब नहीं सोच लियो, जब तक काले कानून ये ख़त्म नहीं होंगे, जब तक सारे किसान सारे जितने भी हैं 36 बिरादरी सारी न्यूए बैठी रहेंगे। तो नेताओं का बहिष्कार भी कर लिया, घेराव भी कर लिया, प्रदर्शन भी कर लिए, सारे काम कर लिए, यानी किसान ने तो कोई काम बख्शाएगा नहीं अपनी ईमानदारी का, लेकिन सरकार तो फिर भी कुंता करना नहीं। देखो सरकार ने जगाने का काम करने लाग रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी आदेश आते हैं उनके ऊपर सारे किसान भाई रल मिल के उनको मंजूर करते हैं, पूरी उनकी पालना करवाते हैं, जो भी किसान मोर्चा का आदेश कोई भी सख्त सख्त आदेश आ गया वो तो आपने देखे लिया, इन नेताओं के खिलाफ भी सारी खापन है तो अल्टीमेटम देता रहेगा, काम होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आदेश आओगे किसान मोर्चा का, चाहे वो किसा भी आदेश आ जाओ, चाहे यो आदेश आ गया कि भाई मान लो रेल पे लौटना है तो भाई रेल पे भी लौटांगे, रेल पे लौटने के लिए तैयार है, यानी आदेश की पालना के लिए तो परिपर हो गए। बिल्कुल, तो भाई ये है किसान की भावना, चाहे पंचायतों के अंदर बात कर लो, चाहे मीडिया के आगे कर लो, उन्होंने कहा कि अगर आह्वान आ जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा का तो हम रेल के आगे लुटने को भी तैयार हैं, ये है किसान का जज्बा और किसान की एकता जो आज देखते देखी जा सकती है दादरी के नाई अनाज मंडी के अंदर। राजू मान के रूम में और फोकर साहब के रूम में, दादरी की शान है, किसान आंदोलन की शान बने हुए हैं। सर नमस्कार,
शान नहीं, ये तो हमारा सबका साझा संघर्ष है। इसमें चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी, सबका साझा संघर्ष है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा आज जो ये संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी, जिसमें देश भर की मंडियों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दादरी की किसान आज मंडी में तमाम किसान संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, तमाम इलाके की खाप और व्यापारी कर्मचारी नेता सब लोग शामिल हुए। मान साहब, आपके बारे में सुना था कि आपने कभी जेजेपी को बड़ा सरपत्ताज बनाया था, ये लॉबी कर लिया बाद में क्यों? मैं अकेला ऐसा नहीं था, बहुत से इलाके के लोग थे जिनको एक उम्मीद थी कि चौधरी देवलाल के वंशज हैं, वो जरूर कुछ किसानों के लिए करके दिखाएंगे। पर हमने जैसे ही पहले दिन जब पंजाब के किसान हरियाणा में घुसे थे, हमने उसी दिन फैसला ले लिया था कि जो किसान के साथ नहीं है तो उनसे हमारा कैसा नाता। और यही वजह है कि जब आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन से हम लगातार किसानों के संघर्ष में जुटे हुए हैं। साहब, क्या लगता है कि आज का अल्टीमेटम कितना असर डाल पाएगा? आज जो हुआ है, ये सारे तो व्यापारी हैं, भारी संख्या में किसान हैं, सभी संगठन हैं, तो आज बड़ी मजबूती मिली है। जो ये कानून जो कल विधानसभा में पेश किया गया है उसके प्रति भी रोष है। आप देख सकते हैं जो कानून बनाया है उसका कोई असर नहीं है, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ऐसे किसान डरने वाला नहीं है, सरकार चाहती। हाँ, जे एन सिंह, अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।